अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक से, और आज हम जिस हायर के वॉल माउंट स्प्लिट यूनिट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है HFCM। ये हायर की ट्रिपल इन्वर्टर सीरीज का मॉडल है। ट्रिपल इन्वर्टर का मतलब मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट और मोर कॉम्फर्ट। तो प्रोडक्ट के फीचर्स बताने से पहले हम इस प्रोडक्ट का रिव्यू ले लेते हैं कि देखने में ये प्रोडक्ट कैसी लगती है। में प्रोडक्ट कैसी लगी? ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ है, ये सिर्फ एक कलर यानी कि व्हाइट कलर में अवेलेबल है। अगर मॉडल कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 टन और 1.5 टन कैपेसिटी में अवेलेबल है। फीचर पैक प्रोडक्ट जो है प्राइस वाइज लो रेंज में अवेलेबल है इस वक्त। अब चूंकि ओवरऑल जो एसी की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रही हैं मार्केट में, ये फुल डीसी इन्वर्टर है T1 कंप्रेसर के साथ। अगर हम इसकी हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी की बात करें BTUs में, तो ये हमें एडिशनल BTUs देता है। वो कितने होते हैं? जैसे कि 1.5 टन एसी जो है 18,000 BTUs ऑफर करता है, लेकिन ये मॉडल जो है इसकी कूलिंग कैपेसिटी 19,000 BTUs पर आर है, जबकि इसकी हीटिंग कैपेसिटी जो है 19,500 BTUs पर आर बनती है। इस प्रोडक्ट में फीचर्स तो हैं ही, लेकिन इसकी जो प्राइस है अगर हम इसको कंपेयर करें इसके BTUs से तो बहुत ही मुनासिब बनती है। डीसी इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर के साथ आता है, और अगर इसमें डली हुई रेफ्रिजरेंट की बात की जाए तो वो R32 है। R32 रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो बहुत अच्छी समझी जाती है ACs के लिए, क्योंकि ये कम प्रेशर में बहुत अच्छी कूलिंग करती है। और ये रेफ्रिजरेंट जिन पाइप्स में मूव करती है वो 100% कॉपर के बने हुए होते हैं, और इसी तरह इसके राउंड जो फिन्स होती हैं, चाहे वो एवेपोरेटर की हों या कंडेंसर की, आउटडोर में गोल्डन फिन्स हैं, एंटी क्रोजन होती हैं, इन्हें रस नहीं लगता, और ये हिडन LED के साथ आता है। ये तो थे इसके जनरल फीचर्स, और अब हम उन फीचर्स की बात करेंगे कि जिनकी बुनियाद पे आपको ये मॉडल परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है, अगर बाहर के टेम्परेचर्स 46 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहे हों तो ये अपने BTUs पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और आपको पूरी भरपूर कूलिंग देता है। यानी कि अगर एम्बियंट टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा है तो अपनी कूलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो दूसरा अहम फीचर आता है इसकी सेल्फ क्लीनिंग, और ये पेटेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। हायर इसे कहता है कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। इसी जब अपनी रनिंग कंडीशन में होता है, चाहे वो गर्मियां हों या सर्दियां हों, तो हमें इसके फिल्टर्स जो हैं वो साफ करना होते हैं। इसी तरह जो इसकी फिन्स होती हैं इनडोर में, यहाँ भी जो है वो डर्ट और इस तरह के बाकी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये प्लास्टिक का जो फिल्टर है इसे तो आप मैनुअली साफ कर लेंगे, और ये जो एवेपोरेटर के अराउंड जो गोल्डन फिन्स नजर आ रही हैं, अब इसे कैसे साफ करना है? तो सेल्फ क्लीनिंग में होता क्या है, जब इनडोर में इन फिन्स की सफाई दरकार तो रिमोट होती है, दिए गए आप बटन को प्रेस करते हैं सेल्फ क्लीनिंग के बटन को। ये ऑपरेशन जो है आपने एसी को ऑफ करने के बाद करना है, यानी कि रिमोट से इसको ऑफ करेंगे, बाकी प्लग इन रहेगा। अब क्या होगा, ये जो एयर डक्ट है ये क्लोज हो जाएगी और ब्लोअर चलना बंद हो जाएगा, लेकिन एसी का कंप्रेसर काम कर रहा होगा, और ये जो फिन्स हैं इसके अराउंड जो है अपनी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर देगा। लाइक इतना लो टेम्परेचर हो जाएगा कि यहाँ बर्फ बनना शुरू हो जाएगी, और 10 से 15 मिनट के बाद वो क्या करेगा कि हीटिंग के थ्रू इसे डिफ्रॉस्ट कर देगा, पिघला देगा। अब जो पिघला हुआ मैलशुदा पानी है वो ड्रेन आउट पाइप से बाहर निकल जाएगा। हायर कहता है कि ये जो यहाँ बर्फ बनती है ये कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी में 30% इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और ये बेहतर समझा जाता है फ्रॉस्टिंग के लिए। उम्मीद है आपको सेल्फ क्लीनिंग और कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी। इसी तरह इसका तीसरा अहम फीचर जो है वो इसका UPS एनेबल होना। एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने के बाद आप इसे UPS पे भी ऑपरेट कर सकते हैं विद लो फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये फुल थ्रॉटल पे तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपके रूम को कंफर्टेबल रखेगा। चौथा अहम फीचर जो है वो हायर की फ्री इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं अपने एसीज पे। आप हायर का एसी लेने के बाद इस टॉल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलर आपके डोर स्टेप पे होगा। अब हम बात करते हैं हायर की एसीज पे ऑफिशियल वारंटी की। तो हायर जो है कंप्रेसर पे 10 ईयर्स की वारंटी, पीसी बोर्ड पे 4 ईयर्स और पार्ट्स पे 1 ईयर की देता तो है। अब बात आएगी इस मॉडल की प्राइस की, यानी कि 18 HFCM की प्राइस। तो इसकी प्राइस है 1,06,000 एज ऑफ टुडे, यानी कि 7 जून 2022। 1 टन का मॉडल जो है 87,000 में है।
स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल नंबर आ रहा होगा, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इसी तरह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है उसका एड्रेस, इसके अलावा जो हमारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, उनके एड्रेसेस शेयर कर दूंगा, आप उन स्टोर्स को विजिट भी कर सकते हैं। है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।